उसके बावजूद वज़ीर-ए-आज़म साहब मुतमईन हैं टॉप पे, नंबर वन पे मुराद सईद की, फिर वजह क्या है? पता नहीं, वो रेहाम की किताब में लिखा हुआ है, पता नहीं किस लिए मुतमईन होंगे इनसे, आई डोंट नो, प्रोजेक्ट्स का तो मुझे पता नहीं। जिस आदमी का नाम ले रहे थे आप, पता नहीं जो टॉप लिस्ट पर है मुराद सईद, इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो परफॉर्मेंस और जो इस पे इल्जाम आते हैं वो किसके इल्म में नहीं है? इसमें दो ही लोग सीरियस है, एक इमरान खान साहब और एक मुराद सईद साहब, तो हमें इतना सीरियस क्यों होना चाहिए? एक ने सेरेमनी की है, दूसरे पहले नंबर पे आए, ये तो मेरे सारे पार्टिसिपेंट देखना चाहिए। बस चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है और वो मतलब पैमरा की खास नजर होगी, बात चीजें आप हमसे ना बुलवाएं उसके ऊपर। उन्होंने एक किताब का भी जिक्र कर दिया है, वो बड़े मेहनती वजीर हैं। अच्छा। और वो बहुत करीब तरीन आदमी है इमरान खान साहब के। अच्छा। और एक मरतबा फिर उन्होंने साबित किया कि उन्होंने अपनी कारकर्दगी में सबको पीछे छोड़ दिया है। मैं ये कह रहा था कि मैंने किताब भी पढ़ी, लेकिन मैंने मोहसिन बेग साहब को जरूर सुना है, उन्होंने जो कहा है मैं उससे इत्तेफाक राय कर सकता हूँ और मैं कुछ नहीं कह रहा। सर, ये सारी डिबेट का नुकता आगाज मोहसिन बेग साहब की तरफ से हुआ है आज।